उनको हवा ने छेड़ा था बदनाम। हम हुए एक ऐसा हादसा हुआ बाजारे इश्क में, बोली लगी थी उनकी और नीलाम हम हुए। बोली लगी थी उनकी और नीलाम हम हुए। तो कहना है इतना तो अब याद नहीं है क्या क्या बेचा है। राहत इंदौरी साहब बहुत अच्छे अच्छे शायर के अशार सुना रहे थे, एक बार परदेसी साहब आप ही सुनिएगा। आंखें खोल के कहना इतना तो अभी याद नहीं है क्या क्या बेचा है, लेकिन जो कुछ बेचा है वो कहाँ बेचा है। इतना तो अभी याद नहीं है क्या क्या बेचा है, लेकिन जो कुछ बेचा है वो अपना बेचा है। जिस बाजार में तुम आईना बेचने निकले हो, मैंने उस बाजार में अपना चेहरा बेचा है। हीरे को लोग कहते हैं पत्थर है दोस्तों, हीरे को लोग कहते हैं पत्थर है दोस्तों, अहले नजर मिलेंगे कहा तुमको दहर में। मजबूत कारोबार की हालत मेरे अजीज, आईना बेचता हूँ मैं अंधो के शहर में। क्या बात है, कहना है किसी से पुख्त ना कोई मलाल रखते हैं हम, किसी से पुख्त ना कोई मलाल रखते हैं हम, अहले जर्ब हैं रोशन ख्याल रखते हैं, रखते हैं हमारे बारे में कुछ भी ख्याल हो उनका, हम उनके बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं। तो एक रंगीन शेर पेश कर रही हूँ, कहना ही इसी तरह दिल की दशा क्या करोगे। गा रहे थे हमारे मसरूर साहब, अभी चाहे जोश इनको आ रहा था। कहना है इसी तरह दिल की दवा क्या करोगे, बड़े बेवफा हो वफा क्या करोगे, क्या करोगे, बड़े ना समझ हो इसे तोड़ दोगे अजी, अभी लेके दिल मेरा तुम क्या करोगे, अभी लेके दिल मेरा तुम क्या करोगे। कहना एक बार साहब, निछावर दिल भी कर दूंगी रफीके दिल तो बन जाओ, निछावर दिल भी कर दूंगी रफीके दिल तो बन जाओ, करूंगी प्यार पहले प्यार के काबिल तो बन जाओ, मेरी जान क्या लोगे अभी नासुक बदन हो तुम, ये सर हाजिर है रीना का मगर कातिल तो बन जाओ। गजल का मतलब पेश कर रही हूँ, जितने भी हैं सब आकर के बैठ जाएं महफिल में, सुनेंगे अर्थ बजो देंगे। बहुत ही हसीन गजल पेश कर रहे थे मगर बेचारे अपनी हालत बयान कर रहे थे। कहना है क्या, दामन को आंसुओं से Thank you.
एहसान साहब, हाँ जी, नौशे बाबू के बड़े भाई है, मैं तो बच्चे जाती हूँ और आपसे भी तो बच्चे जाती हूँ, जितने हैं सभी सुबह जाती हूँ, पूरी मतलब कहना है क्या, दामन को आंसुओं से ही बोया ना कीजिए, आपसे भी तब जाते हैं और जितने भी सभी से और हमारे अमीन साहब आपसे भी तब जाती हूँ, सुनेंगे और जफर सुपारी साहब आपसे भी तब जाती हूँ, जवान साहब कहना है क्या, सुने दामन को इतना किसी की याद में, इतना किसी की याद में, इतना किसी की याद में, एक एक शेर सुनेंगे और तब जो देंगे आप सभी लोगों से कहना है क्या, सुने आवाज आ रहा, इधर देखे, इधर देखते रहे आप, क्योंकि आपके उस्ताद नहीं तो आपके से कहना है, दुश्मन के साथ भी हुआ करते थे और मैं कोई और हूँ, कहना है क्या, दुश्मन के साथ ही कभी ऐसा ना कीजिए, दुश्मन के साथ ही कभी ऐसा ना कीजिए, इकरार करके प्यार में, इकरार करके प्यारे में, इकरार करके प्यार मुखिया जी के बड़े भाई हैं माशाल्लाह, और छोटे भाई भी पीछे बैठे हैं, उनसे भी तो जाती हूँ, मुखिया जी के छोटे भाई आप भी सुनेंगे माशाल्लाह, अच्छे अच्छे वो मुखिया जी, अजी मुखिया जी बैठे हुए हैं, इतना छुप के मुखिया जी आपसे मैं खास तौर से तो जाती हूँ, इस शेर को सुनेंगे और जफर सुपारी साहब आपसे, और जो जनाब बैठे हैं अमीन साहब आपसे भी तो जाती हूँ, सुनेंगे इस शेर को और आपसे भी तो गुलाम नबी साहब वो तो मेरे चचा हैं, सुनेंगे दादा कहना है क्या, सुने एहसास करके दिल में जगा ना कीजिए,
मुखिया जी, जी हाँ देखिए तस्वीर, एक तस्वीर सब ले रहे ऑपरेटर साहब, आपसे भी तवज्जो चाह रही हूँ। माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा है, मुखिया जी ये भाई की तरफ से है, मुखिया जी की तरफ से नहीं है। शौकत साहब कहाँ, उनसे भी तवज्जो जाती हूँ, कहना है क्या सरपंच साहब उनकी जाने से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये नौशे बाबू के भाई की जाने से 100 रुपए हैं, और भी बहुत से रुपए हैं दोस्तों की जाने से, किस बात पे कहना है क्या शकील साहब। हाँ सर, से तो मुझे जाती हूँ, मैं हुक्म तो नहीं दे सकती मगर इंतजार कर सकती हूँ इस शेर को सुनेंगे, क्योंकि उम्र में मैं आपसे छोटी हूँ, मैं इंतजार कर सकती हूँ, हुक्म नहीं दे सकती, इस शेर को सुनेंगे और तवज्जो देंगे, कहना है क्या सुने।
शकील साहब, ये शकील साहब की जानिब से जो भी आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। मगर अगर आप हमें अपने हाथों से नवाजते तो हमारी इज्जत में और भी इजाफा होगा। अगर आप आके हमें नवाजते तो हमारी इज्जत में इजाफा हो जाता है। मैं सह नहीं सकूंगी, इसमें आप बढ़ा कर मैं सह नहीं सकूंगी किसी तरह भी ये गम। इकलौते साहबजादे हैं आपके, माशाल्लाह अल्लाह उनकी हमरे तराजी करे, अच्छे अच्छे अशार पे वो हाज रहे हैं। जी हाँ, वालिद की जगह लेकर के बैठे हुए आपको आना चाहिए बेटी को नवाजने के लिए, क्योंकि आप ही मुझे जिद करके यहाँ लाए। मैं मना कर देती थी अच्छा मैं जाऊंगी, मेरी बच्चियों को आप सुनो, मगर आपने कहा नहीं तुमको ही चलना। जी हाँ, उनसे तो वाले भी इनसे नोट लेंगे। कह रहा है क्या सुने, मैं सह नहीं सकूंगी किसी तरह भी ये खुदा के वास्ते, मुझसे खुदा के वास्ते, मुझसे खुदा के एहसान साहब की जानिब से है 100 रुपए और जफर सुपारी साहब की जानिब से भी कुछ रुपए है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी शेर मुखिया जी का है, मुखिया जी आखिरी शेर पेश कर रही हूँ। और ये उम्मीद है मुझे जितना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं इस शेर को भी आप पसंद करेंगे और सुनेंगे आखिरी शेर। आप सभी तो मुझे चाहते हैं सुनेंगे आप सभी लोग दोस्तों से, ये शेर खासतौर से अपने दोस्तों के नाम कह रहा है क्या, जन्नत मिलेगी तुमको यकीनन ये शर्त है, देखिए मुखिया जी कैमरे में कह रहा है मुखिया जी तकदीर रास आई ना तकदीर क्या करोगे, तकदीर रास आई ना तकबीर क्या करोगे, हमको ही ले चलो ना तस्वीर क्या करोगे। जन्नत मिलेगी तुमको यकीनन ये शर्त है, जन्नत मिलेगी तुमको यकीनन ये शर्त अजी भूले से, हाँ भूले से अजी भूले से। मुखिया जी की तरफ से आए हैं जी, पूर्व वार्ड जमाल साहब जी, मुखिया जी की जानिब से आए, बहुत सारे रुपए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जमाल साहब से खासतौर से तो मुझे जाती हूँ जी, पूर्व वार्ड जमाल साहब अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो ये आखिरी शेर सुनेंगे। सरपंच साहब सिराज साहब कहाँ हैं, पीछे बैठे हैं सिराज साहब, तो मुझे चाहती हूँ इस आखिरी शेर पे कह रहा है क्या, जन्नत मिलेगी तुमको यकीनन ये शर्त है, सिराज साहब मैंने देख लिया
डाल दी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जमाल साहब पूर्व वार्ड उनकी जानिब से नहीं इनकी जानिब से आए, मुझे जमाल साहब से चाहिए, सुनेंगे जमाल साहब कहना है। जन्नत मिलेगी तुमको यकीनन ये शर्त है, और ये दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं, कहना है क्या? जन्नत मिलेगी तुमको यकीनन ये शर्त है। ये मोहम्मद साबिर साहब लड़की के भाई है, इनकी जानिब से भी बहुत सौ रुपए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब की जानिब से आए हैं, सिराज जी उनकी जानिब से, और ये भी एक जनाब की जानिब से है, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज जी, बहुत शुक्रिया। और सब देखा कि लड़की के जो भाई लोग हैं मैं उनसे भी तवज्जो चाहती हूँ, कह रहा है क्या? जन्नत मिलेगी तुमको ताजुद्दीन जी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कह रहा है क्या? जन्नत मिलेगी तुमको यकीनन ये शर्त है। भूले से माँ का दिल कभी।